morning students. Today we will start exercise 2.3 of chapter 2 fractions and decimals. So हमारे exercise का first question है find. हमें कुछ values given है उन्हें हमें solve करना है. और क्या given है? 1/4 of a given है 1/4, b given है 3/5 and c given है 4/3. So इस तरह का question हम exercise 2.2 में भी करके आ चुके हैं. कैसे करते हैं? सबसे पहले जो हमें 1/4 दे रखा है इसको हमको ए बी सी के लिए अलग अलग सेपरेटली निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखो स्टार्ट करते हैं ए से. ए की क्या वैल्यू दे रखी है हमें? 1/4. ठीक है, इस 1/4 का हमें क्या निकालना है? 1/4 ही निकालना है. सो 1/4 ऑफ का क्या मतलब था? इनटू 1/4. ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. सो 1 1 1, 4 4 16. तो ए पार्ट का 1/4 का 1/4 कितना होता है अपना? 1/16. नाउ बी, बी क्या गिवन है हमें? 3/5. ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? 1/4 का 3/5. तो 1/4 इंटू 3/5. ठीक है, नाउ अगेन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, सो 3 1 3 एंड 4 5 20. तो कितना आ गया? 3/20. ठीक है, अब सी के लिए निकालेंगे. सी क्या गिवन है? 4/3. ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? अगेन 1/4 निकालेंगे. सो 1/4 इंटू 4/3. ठीक है, कि इंटू किसके जगह आ रहा है? ऑफ की जगह. ऑफ की जगह हम कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का. नाउ अगेन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. दैट इज 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12. ठीक है, तो कितना आ गया? 4/12. ये और डिविजिबल है कि एक दूसरे से, तो 4 1s are 4 और 4 3s are 12 कैंसिल आउट हो सकते हैं फोर के टेबल से. 4 1s are 4 और 4 3s are 12. तो ये और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गए. तो कितना आया? 1/3. नाउ सेकेंड क्या गिवन है? 1/7 ऑफ किस किस का निकालना है? 1/7 ए पहले निकालना है 2/9 का, बी में निकालना है 6/5 का एंड सी में निकालना है 3/10 का. अगेन वही काम करेंगे, सबसे पहले ए के लिए निकालेंगे 2/9 के लिए. सो क्या होगा? 1/7 इंटू 2/9. ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/7 से, क्योंकि 1/7 ही तीनों से मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. Now again the product of fractions equals to product of their numerator and product of their denominator. That is 2 1s are 2 and 7 9s are 63. अब जो हमारे पास fraction आया है क्या हम इसको और lowest form में reduce कर सकते हैं? नहीं, because they are not divisible to each other. So ये हमारा fraction आ गया. और ये कौन सा fraction है? हमारा proper fraction है, because the numerator is less than the denominator. Now the second part, b. b क्या दे रखा है हमें? 6/5. ठीक है, 6/5 का निकालेंगे. तो 1/7 इंटू 6/5. ठीक है, सो अगेन क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे. 6 1s are 6 और 7 5s are 35. तो कितना आया बी का फ्रैक्शन? 6/35. ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता. नाउ सी पार्ट कितना रखा? 3/10. ठीक है, तो नाउ 3/10 के लिए निकालेंगे. तो किससे इंटू करेंगे? 1/7 से. तो 1/7 इंटू 3/10. ठीक है, प्रोडक्ट निकालेंगे. 3 1s are 3, ये न्यूमरेटर निकला, एंड 7 10s are 70. तो कितना निकला? 70. तो कितना आ गया? 3/70. अगेन ये ही हमारी लोएस्ट फॉर्म है, से ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता. नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. हमें अगेन कुछ वैल्यूज के हैं, उन्हें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करके हम जो रिजल्ट निकालेंगे, सो हमें क्या करना है? उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, अगर वो रिड्यूस हो पा रहा है तो. ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है हमें? 2/3 इंटू 2 ऑफ 2/3. ठीक है, ये तो हमारे फ्रैक्शन में गिवन है. ठीक है, इस ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, और हमको मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों ही सिंपल फ्रैक्शन में चाहिए, या तो दोनों प्रॉपर होने चाहिए, दोनों इम्प्रॉपर होने चाहिए. तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे करेंगे? देखो 2/3 एज इट इज इनटू, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम सीख के आ चुके.
कौन जाएगा नाइन्थ प्लेस पे। तो क्या फॉर्म बनी, वन गया नाइन्थ प्लेस पे तो वन यहाँ आ गया, नाइन गया सेवन्थ प्लेस पे तो नाइन यहाँ आ गया, और सेवन गया वन की प्लेस पे तो सेवन यहाँ आ गया। तो क्या बन गया, वन सेवन बाय नाइन, इसका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो फर्स्ट आ गया वन सेवन बाय नाइन। नाउ सेकेंड क्या गिवन है, टू बाय सेवन इंटू सेवन बाय नाइन। इस बार दोनों भी सिंपल फ्रैक्शन में रखे, अब हमको कन्वर्ट करने की इस पर कोई जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है इसमें। तो सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं न्यूमरेटर के ऊपर डिनोमिनेटर के नीचे वो हमें करना है। तो देखो सेवन से सेवन अगर मल्टीप्लीकेशन में आपका कुछ डिविजिबल है और एक दूसरे से कट रहा है तो आप उसको काट भी सकते हैं। देखो सेवन से सेवन जा सकता है हमारा, कितने टाइम जाएगा, दोनों वन वन टाइम जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा अल्टीमेटली, ऊपर न्यूमरेटर में बचा हमारे पास टू और डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास नाइन। तो सेकेंड का क्या आंसर आ गया, टू बाय नाइन। नाउ थर्ड, थर्ड का गिवन है हमें थ्री बाय एट इंटू सिक्स बाय फोर। ठीक है, ये भी हमें फ्रैक्शन में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। जो हम सिंपल से काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वही हमको करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट दो, नहीं कट रही तो मत काटो। देखो ये दोनों टू की टेबल जा सकते हैं, टू थ्री जा सिक्स एंड टू फोर जा एट। ठीक है, टू थ्री जा सिक्स एंड टू फोर जा एट। अब क्या होगा आंसर, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नाइन। ठीक है, और फोर से फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सिक्सटीन। तो क्या फ्रैक्शन आ गया हमारा, नाइन बाय सिक्सटीन। अब हम इसको अगर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहें तो क्या ये रिड्यूस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको ना, 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, जो कि डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा और हमको चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में। सो ये यहाँ तक ही आंसर होगा। फोर्थ के गिवन है 9/5 इंटू 3/5। अगेन क्या करेंगे, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट अलग, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट अलग। सो 9 3 27 एंड 5 5 25। नाउ ये रिड्यूस हो सकता है लोएस्ट फॉर्म में, येस, बिकॉज हम जब 27 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 25 और 27 से डिवाइड करना है 25 से, 25 कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, प्लेसेस कैसे अरेंज होंगी, 1 25 के प्लेस पे, 25 2 के प्लेस पे और 2 1 के प्लेस पे। तो कैसे अरेंज हुआ होगा ये, 1 25 टू के प्लेस पे गया तो 25 और 2 1 के प्लेस पे गया तो 2। तो क्या मिक्स फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, 1 2 by 25। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ है 1/3 into 15/8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई चीज़ किसी से कट रही है या डिविजिबल हो रही है तो हम उसको कर सकते हैं। 3 से 15 जा सकता है, कितने टाइम्स, 5 times 3 5 15। अब हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा, 5 और 1 तो 5 1 5 और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 8, क्योंकि 3 तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या बचा, 8। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ गया हमारा, 5/8। नाउ सेकेंड का लास्ट पार्ट दैट इज 6 11/2 × 3/10। सिंपल फ्रैक्शन में सीधा प्रोडक्ट निकालना है, 11 को 3 से इंटू करेंगे कितना मिलेगा, 33 और 2 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 20। ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, येस, बिकॉज हमको 33 को 20 से डिवाइड करना है, जो कि इससे डिवाइड हो सकता है। तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 20 और 33, 22 जा तो 40 होता है, तो 1 से जाएगा ये, कितनी बार टाइम जाएगा, 1 टाइम। सो 20 1 20 कितना बचा, 1 और 3 13 बचा। कैसे कैसे रेंज होंगी, 120 के प्लेस पे 20 30 के 13 1 की, सो दैट मीन्स कैसे रेंज हो गया, 1 13/20। तो 1 13/20 के आगे हमारा सिक्स्थ का आंसर आ गया। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखे उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर कोई चीज मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, सबसे पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 2/5 × 5 1/4। ठीक है, सो देखो 2/5 से सिंपल फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 4 20 + 1 21, तो कितना आ गया, 21/4। और 2/5 हमारा चल ही रहा है, 21 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ गया, 42 और 5 4 कितना होता है, 20। ठीक है, इसको हम
टू की टेबल से काट सकते हैं, टू से कितने टाइम जाएगा 21, और ये कितने जाएगा टू से 10 टाइम्स, तो टू 10 से कितना होता है 20, तो कितना आ गया 21/10। और ये और भी रिड्यूस हो सकता है, और भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि 21 डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 1/10। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, 6 2/5 × 7/9। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 6 5 से 30 + 2 = 32, डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 5 × 7/9। ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 224। नाउ 5 9 = 45, यहाँ पे ऑल भी रिड्यूस हो सकता है बिकॉज 224 जो है वो 45 से डिविजिबल है, तो जब हम इसको करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो क्या आएगा 4 44/45। नाउ क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3/2 × 5 1/3, अगेन एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आया था 3/2 एज इट इज, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 5 3 = 15 + 1 = 16, तो कितना आ गया 16/3। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, 3 को 16 से इंटू करेंगे 48, और 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, अभी कैंसिल आउट हो सकता है, 6 के टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, तो आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, नाउ द फोर्थ पार्ट इज 5/6 × 2 3/7, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, 5/6 एज इट इज, 2 7 = 14 + 3 = 17/7 चल रहा है नीचे, जब 17 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 85, और 6 को 7 से करेंगे तो 42, ये और रिड्यूस हो सकता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 85 को 42 से, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा 2 1/42। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 3 2/5 × 4/7, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आया है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सो 5 3 = 15 + 2 = 17, डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 5 × 4/7। नाउ 17 को 4 से इंटू करा कितना आ गया 68, और 5 को 7 से इंटू करा कितना आया 35, ये हमारा अगेन लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है जब हम 68 को 35 से डिवाइड करेंगे तो, सो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा 133/35। नाउ क्वेश्चन थर्ड का सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, 2 3/5 × 3, अब जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 2 = 10 + 3 = 30, तो कितना आ गया 13/5 × 3 चल ही रहा है हमारा, अब क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन करना है, जो कि क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सो 13 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 39/5 एज इट इज। ठीक है, ना ये जो फॉर्म आई है हमारे पास 39/5, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं डिवाइड करके, सो 39 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 7 = 35 होता है, नीचे क्या बचा 4 बचा। ठीक है, अब 4 से ज़्यादा डिविजिबल नहीं है क्योंकि 4 स्मॉलर नंबर है, 5 ग्रेटर नंबर है। नाउ इसको अरेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 7 9 को 5 की प्लेस पर 5 4 की और 4 7 की, तो किस तरह से अरेंज होगा, ये 7 आया 5 की तो 7, 5 गया 4 की तो 5, और 4 गया 7 तो ऊपर 4, तो कितना आ गया 7 4/5। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट इज जो कि इस क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट है, 3 4/7 × 3/5। ठीक है, सो 7 3 = 21, 21 में जब आप 4 ऐड करोगे तो यू विल गेट 25, डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा है 7 × 3/5 एज इट इज। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे, अगर कुछ डिविजिबल होना है कचरा तो उसे काट देंगे, मल्टीप्लीकेशन में 5 से 25 जा सकता है 5 times। ठीक है, 5 5 से कितना होता है 25, तो ऊपर क्या बचा 5 4 3, तो 5 3 = 15, और नीचे क्या बचा 7 2 7। अब ये जो 15/7 आया है इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं डिवाइड करके, सो 15 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो 7 2 = कितना होता है 14, और जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर आएगा 1। सो नाउ 1 अब इसके बाद डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 1 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, सो अरेंज करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 2 आएगा 7 की प्लेस पे, 7 1 की प्लेस पर, 1 2 की प्लेस पे, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन 2 1/7। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थर्ड खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।